नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में बहस नहीं होगी क्योंकि ये वक्त बहस करने का नहीं है। जरूरत है कि हम सब अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, क्योंकि आज अगर कोरोना बेकाबू हो चुका है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको ईमानदारी से सोचना होगा कि क्या हमने मास्क पहनने के नियम को ईमानदारी से निभाया, क्या हमने 2 गज की दूरी का नियम ईमानदारी से निभाया, क्या हम बेवजह घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ यही हमारा हथियार था। लेकिन आज कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। मात्र 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना की इस लहर को मात दे सकते हैं, सीधे तौर पर हरा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए आज का आर पार जरूर देखिए, क्योंकि आज आर पार में देश के दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ा संवाद होगा, सबसे बड़ी चर्चा होगी, और यही चर्चा आपको कोरोना की इस बेहद खतरनाक दूसरी लहर से बचाएगी। तो अगले 1 घंटे मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। बेकाबू कोरोना पर यह सबसे बड़ा संवाद है। चौबीस घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस, 3 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज, देश के 10 राज्यों में 81% नए कोरोना केस। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना से डरिए, क्योंकि अगर डरेंगे तभी बचेंगे। हालात काफी गंभीर हैं। आने वाले दिनों में हमारे नंबर्स क्या होंगे, इसको सोच के भी डर लगता है। एज ए डॉक्टर मैं अभी पुनः सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस समय पॉजिटिव मान के चलिए और जितना डिस्टेंस आप उससे मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए। इस बिगड़े हालात के लिए कोई एक बड़ी वजह नहीं है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। पूरे देश में 100 लोगों की जांच होने पर करीब 15 लोग की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। यानी साफ है कि 2 गज की दूरी और मास्क वाले नियम का पालन नहीं हो रहा है। अलग अलग राज्यों में सिस्टम में जो कमी है वो तो है ही, कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की कमी की खबर आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई, जहां कोरोना संक्रमितों के शव कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी में रखकर शमशान तक पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रशासन ने कोविड के चलते जान गंवाने वाले 19 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर दिया। हालांकि इस डरावनी स्थिति में भी राहत की बात यह है कि कोरोना के ज्यादातर मरीजों को कोई गंभीर परेशानी नहीं और उनका इलाज घर पर भी मुमकिन है। बहुत कम मरीजों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, ऑल सेड एंड डन विद ऑल वैक्सीनेशन एंड अदर प्रोग्राम्स वी विल हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स as far as to contain the infection is concerned. कहीं ना कहीं complacency आ गई और वो society में in general आई है। Society को उसको वापस उसको स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए health protocols को ज्यादा से ज्यादा लागू हो इसकी हमको चिंता करनी है। शमशान घाटों पर संख्या लोगों की बढ़ी हुई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसको आप कैसे देखते हो? इलाज की व्यवस्था में लगातार हम बिस्तर बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमने 5,700 से ज्यादा बिस्तर बढ़ाए, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा रहे हैं। परिस्थितियां कठिन हैं, भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। सबसे बड़ी बात यह कि 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के हथियार से हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन सवाल है
आखिर कोरोना का ये कहर कब थमेगा? तो आज इसी पर विशेषज्ञों के सबसे बड़े पैनल के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा।